खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र से खबर है, जहां मुंबई पुणे हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। खाई में बस गिरने से 7 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं देखिए, बस में सवार थे 40 से 45 लोग, पुणे में कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे बस सवार, और ऐसे में देखिए बस एक भीषण हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 7 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और देखिए लगातार किस तरह से रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। मुंबई पुणे हाईवे की ये तस्वीरें हैं कि प्रशासन की टीम अब देखिए लगातार मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। खाई में बस गिर गई है, और जिस वक्त देखिए पूरा हादसा हुआ, उस समय 40 से 45 लोग उस बस में सवार थे, और ऐसे में इस पूरे हादसे के बाद में 7 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है, लगातार लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ऐसे में दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, पूरी मुस्तैदी के साथ में काम किया जा रहा है। 7 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, कई लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और ऐसे में देखिए इस पूरे हादसे के बाद में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं कि एक रोपवे की सहायता से खाई से लोगों को ऊपर लेके आया जा रहा है। और ऐसे में देखिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो खुलासे हुए हैं, 7 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर सामने आई है। 40 से 45 लोग उस समय सवार थे बस में, और ऐसे में जो बाकी के लोग हैं उनको भी बाहर निकालने का खाई से काम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए मुंबई पुणे हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बस खाई में जा गिरी। हालांकि क्या कुछ वो कारण रहे, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पर देखिए 40 से 45 लोग उस समय बस में सवार थे, 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुणे में कार्यक्रम में शामिल होकर ये बस सवार वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, और तभी ये बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।